नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी की हत्या से राज्य के लोग हैरान परेशान हैं। सड़क से सदन तक ये मुद्दा उठा के मुद्दा गुंजा है, गहन जांच की मांग की गई है। सरकार भी कड़ी जांच का दावा कर रही है। चर्चा हम करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस मामले में अब तक सामने आई हैं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या से सनसनी फैल गई है। जी हां, दिन दिहाड़े नफे सिंह राठी की हत्या से हर कोई हैरान है। हरियाणा में अपनी तरह का ये पहला मामला सामने आया है जब किसी वरिष्ठ नेता को दिन दिहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया हो। नफे सिंह राठी के साथ साथ गाड़ी में मौजूद एक और शख्स की उपचार के दौरान मौत हो गई। एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है तो वहीं से राजनीतिक रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सड़क से सदन तक आवाज उठ रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने इंसाफ की मांग की तो व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए। परिवार की तरफ से FIR कराई गई है जिनपे शक है कि ये साजिश करता है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हमने हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हरियाणा की पे, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसकी पॉलिटिकल मर्डर है कि नफे सिंह राठी जी ने अनेक बार सुरक्षा की मांग करी, सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय जिन लोगों से खतरा महसूस कर रहे थे उन्हें सुरक्षा दी गई। और अब इसकी जांच जो है CBI से और कोई सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए ताकि सारा मामला सबके सामने आ जाए। इस तरह से अगर मर्डर होंगे, पॉलिटिकल लोगों को इस तरह से मारा जाएगा। सदन में कांग्रेस ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्या मामले को उठाते हुए सरकार की घेराबंदी की, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े की, CBI जांच की मांग की गई तो गृह मंत्री अनिल विज ने CBI जांच की बात कही। आज पूरे हरियाणा में हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, ऐसी परिस्थिति हो गई। ये तो खाली एक आज पूर्व विधायक थे, हम सब इतने गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी के साथ भी ऐसा होता है तब भी हमारे गंभीर होना चाहिए। हम जब क्यों नहीं गंभीर होते? कितने मर्डर हो चुके, कितने डाके पड़ चुके, कितनी धमकियां मिल चुकी, विधायक तक को भी धमकियां मिल चुकी। कानून व्यवस्था में कहां खड़े हैं? क्यों असुरक्षित प्रदेश हुआ ये? क्यों केंद्र कहां हम खड़े हैं? ये आज मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि NCR की जो रिपोर्ट है, किस अपराध में किस नंबर पे पहुंचे हुए हैं हम, ये स्वयं जवाब में बताएं और फिर सोचे विचार करें कि क्या कदम उठाएंगे। ये बताएं हमारे क्या कदम उठाओगे, क्या सुरक्षा करोगे। और इसमें कोई दोहरा नहीं, जांच CBI द्वारा कराई जाए और हाई कोर्ट की जज की देखरेख में किया जाए, क्योंकि ये सवाल उठ गए, कई यहां सवाल उठ गए। कई ने कहा, जैसे पढ़ा इन्होंने भी बताया कि उन्होंने सुरक्षा मांगी, अभी चौटाला जी का बयान है आज अखबार में कि सुरक्षा मांगी। तसल्ली CBI इंक्वायरी से होती है, तो CBI इंक्वायरी करो। हो गया, बस हो गया, ठीक है। अभी क्या फैसला हुआ है, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, किस तरीके से परिजनों को मनाया गया है? अभी कई लोगों से पूछताछ चल रही है जो भी संदिग्ध है, ठीक है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसके विरुद्ध भी जो भी सबूत आते हैं, जो एविडेंस आते हैं, तो उस पर लॉ जो भी उस पर कार्रवाई होती है। सर, अभय चौटाला जी से आपकी बात हुई तो अभय चौटाला ने बताया था कि दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, कौन से? नहीं, इसमें देखिए पूछताछ चल रही है कई लोगों से, अभी कोई अरेस्ट नहीं किया है हमने, तो जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इस अपराध की जांच को CBI से कराने का निर्णय किया है, तो ये केस जल्द ही CBI को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी अब तक की जांच के विषय में जैसे SP साहब ने आपको अभी बताया, कुछ लीड्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, 4-5 टीमें अलग अलग स्थानों पर इसकी जांच में गई हुई हैं, CCTV की फुटेज भी प्राप्त हुई है, जहां जहां से भी, चाहे वो टॉल से है या जहां से भी है। इस वक्त इससे अधिक कुछ भी डिस्क्लोज करना जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उनसे उचित तरीके से पूछताछ की जा रही है
और जिस पर भी कोई साक्ष्य उपस्थित होगा, जो भी कोई साक्ष्य मिलेगा, उसके तुरंत बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किसी को हिरासत में लिया गया सर? इस वक्त इसको कहा जाना उचित नहीं होगा, कुछ ही समय में रिजल्ट आपके सामने। जाहिर है दिन दिहाड़े नफे सिंह राठी की हत्या से राजनीतिक कोहराम छिड़ चुका है। सरकार जांच कराने का दावा कर रही है, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे चुके हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक नफे सिंह राठी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई जाती है और क्या सच सामने आ पाता है, बड़ा सवाल है। लिहाजा इस मर्डर से कई गंभीर सवाल भी उठते हैं। ऐसे में त्वरित जांच और कड़ी कार्रवाई से एक कड़ा संदेश दिया जाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंगदास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज मेनीवाल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत पंजेटा जी आपसे, जाहिर है बहुत परेशान करने वाला और हैरान करने वाला मामला है अपने आप में। हमारी संवेदनाएं भी नफे सिंह राठी के परिवार के साथ हैं, क्योंकि वाकई बहुत बड़ा मामला अपने आप में, शायद ही हरियाणा में कभी इस तरह की हत्या, इस तरह का मर्डर दिन दहाड़े हुआ हो। तो एक तरफ देखिए कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी को लेकर बात करें तो आपकी पार्टी के लिए वाकई एक झटका भी अपने आप में है, मातम के साथ साथ। देखिए ज्योति जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि नफे सिंह राठी जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, केवल अध्यक्ष होने के साथ साथ उनका जो भी हम बाय इलेक्शन में हमने काम साथ किया या पार्टी ऑफिस में हम साथ रहे, एक परिवार की तरह नफे सिंह राठी जी थे। बहुत ही ज्यादा एक अटूट, एक घनिष्ठ रिश्ता जो उनका पार्टी वर्करों के साथ एक बन गया था, सबको साथ लेने की, साथ लेकर साथ चलने की नीति में विश्वास रखते थे। व्यवहार में भी मैं पर्सनली इस बात से दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद ही मेरे सामने उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में भी बात की हो, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी जब हम कभी बैठ के हमने बड़ी कई बारी लंबी चर्चाएं करी है, तो हम मजाक भी करते थे, बड़े मजाकिया स्वभाव के भी थे और बहुत अच्छी जानकारी रखते थे तथ्यों की। तो हमारी पार्टी के लिए अगर कहें, और हम परिवार से अलग तो समझते नहीं, हमारे लिए तो हमारे परिवार का सदस्य गया है, तो बहुत दुख है हमें इस बात का, बहुत खेद है, लेकिन वो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए उनकी जिस तरीके से एक ये पॉलिटिकल मर्डर, जिसे हरियाणा के इतिहास में, क्योंकि हरियाणा ठीक है कैरो जी की तब उस टाइम संयुक्त था, तो जो हरियाणा में ऐसा एक पहला पॉलिटिकल मर्डर है, और वो भी कुश्ती में देश का नाम रोशन किया, उसके बाद दो बारी नगर परिषद के चेयरमैन रहे, दो बारी एमएलए रहे, पूर्व एमएलए की एसोसिएशन के प्रधान वो मौजूदा थे, और ऐसा देखिए अपने आप में किस तरीके से सिक्योरिटी मांगने के बाद, बार बार गुहार लगाने के बाद, अब अगर एक पार्टी का अध्यक्ष है वो, अगर उसको जान का खतरा है, उसको धमकियां मिल रही हैं, तो वो घर में तो बैठ नहीं सकता, और जिन लोगों से उनको खतरा था सरकार ने उल्टा उन्हीं को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी थी, पर अभी भी कर रखी है, तो और परिवार को भी बहुत तंग किया गया राठी साहब के, मुझे पर्सनली मैं जानता हूँ इस बात को, उनके उनके बच्चों को, उनके परिवार के सदस्यों को बहुत तंग किया भाजपा सरकार ने। तो अगर ऐसा गुंडा राज, ऐसा जंगल राज, और वो भी एक भाजपा के पूर्व विधायक बहादुरगढ़ से, अगर उनका नाम आप FIR में आ चुका है, तो ऐसे में तो देखिए CBI के अलावा हरियाणा के अगर एक हरियाणा के सिटिंग जज की निगरानी में, अगर देखरेख में अगर CBI की जांच होती है, तो कहीं में थोड़ी उम्मीद है कि शायद जो इसके पीछे के साजिश करता है, जिनके इशारे पे ये काम हुआ है, वो बेनकाब हो पाए। हमें उम्मीद है इस चीज की। आज हरियाणा विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है, क्योंकि आज राठी साहब है, कल को कोई और भी हो सकता है, तो इस तरीके से हल्के में लेना, बार बार सिक्योरिटी की गुहार लगाना, मुख्यमंत्री का ये कह देना कि मैं सभी को सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो नैतिकता के तौर पर वैसे इनको सीट में भी नहीं बने रहना चाहिए,
लेकिन आपको याद होगा कि गवर्नर हाउस भी गए, जैसे विधायक को एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी, वो तो अपना इस्तीफा देने ही चले गए थे। तो अगर जनप्रतिनिधि का ये है कि कोई और आदमी होगा तो वो थोड़ा अवॉइड कर सकता है पब्लिक अपीयरेंस की, और मतलब अब ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स लोकदल में तो होती नहीं है, आपको इसी तरह पता है ज्योति जी, जनता के बीच में पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, वह जाना पड़ता है, जाना और जाना पड़ता नहीं है, वो उनका एक रूटीन है। तो अब जान को खतरा भी है, सरकार प्रोवाइड करा नहीं रही, तो ये बाहर जाना तो बंद नहीं कर सकते ना, तो बाहर तो पब्लिक में जाना पड़ेगा, तो इसकी सारी जिम्मेवारी तो अब सरकार के ऊपर आती है कि आपको बार बार सीआईडी को पत्र लिखा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी से खुद मुलाकात की, डीजीपी साहब को पत्र लिखा, वो सारी की सारी कॉपीज आज उनके बच्चों के पास अवेलेबल है। तो अगर ये तो सरकार अब जवाब दे कि इतनी बड़ी थ्रेट परसेप्शन होने के बाद आज आपको सब कुछ सामने दिख भी रहा है, और फिर भी अगर जानबूझ के भाजपा की सरकार ने अगर उन्हें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रखी थी, तो आज इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? आज इसकी जवाबदेही सीधा सीधा, क्योंकि अब अगर विधानसभा में पूर्व एमएलए और प्रेजेंट एमएलए को अगर इस तरीके की एक्सटॉर्शन कॉल आएंगी, धमकियां आएंगी और जान का खतरा होगा, उसके बाद हरियाणा की भाजपा सरकार सिर्फ इस बात का इंतजार करके बैठी रहे कि अब कोई दुनिया से चला जाए, वो वापस तो नहीं आ सकते। आज अभी ये बातें मैं सुन रहा था कहीं चैनल्स के ऊपर कि अब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, आप क्या, अब क्या वापस ले आओगे आप उनको? आप राठी जी को सिक्योरिटी देनी थी, उनको दीजिए आप राठी जी को सिक्योरिटी, आपने क्यों नहीं दी? इसकी जवाबदेही तो हरियाणा सरकार है। चलिए मैं उत्तर लूंगी, हालांकि आज आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, लेकिन तमाम बातें जब भी मामला उठेगा तो तमाम तरह के सवाल उठेंगे चौहान साहब, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में, दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में चौहान साहब। और जो मुद्दा सदन में भी उठा कि एक पूर्व विधायक, दो दो बार के विधायक रहे, पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट पर दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर अगर उन्हें मौत के घाट उतारा जा सकता है तो क्या नहीं हो सकता प्रदेश में? देखिए, जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक नफे सिंह राठी जी की हत्या का सवाल है, निश्चित तौर पर ये दिल दहलाने वाली ऐसी घटना जिसका कोई बचाव नहीं हो सकता, जिसके बाद कहने के लिए केवल यही बचता है कि इससे बुरा हो नहीं सकता था। लेकिन मैं दोहराऊंगा वो बात जो आपने कही, और मैं उम्मीद करता था रजत पंजेटा भी वैसा ही करेंगे। इस संकट की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में, जब इन्होंने अपनी पार्टी का अध्यक्ष खोया है और मामले की जांच करवाने की जो बात जिस अंदाज में हरियाणा की विधानसभा में उठी, क्योंकि सत्र चल रहा था, सरकार ने पल भर की देरी नहीं की, सीबीआई को जांच सौंपने की बात स्वीकार कर ली। ऐसे समय में यदि आपके एंड से कोई भयंकर डिस्टर्बेंस आ रही है, हेलो, क्या सुन पा रहे मुझे? जी जॉन साहब, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए, ठीक करवाते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे समय में जब सरकार ने जांच की, जैसे जिस तरह की जांच की मांग की गई प्रभावित पार्टी की ओर से, परिवार की ओर से, उस जांच की मांग को स्वीकार कर लिया हो, तो ऐसे मुकाम पर शब्दों के चयन में अगर रजत पंजेटा सिक्योरिटी की मांग को सुन लीजिएगा, देखना ना पड़ता। अभी तो आप ये अभी इसी बात की रट लगाते रहना चाहते हैं, तो मैं चुप हो जाता हूँ, आप लगाते हैं उसमें से अगर कुछ। अरे रुकिए तो सही, आप बोल चुके ना, आपकी बारी में कोई बोला था क्या? मिस्टर पंजेटा, आज कम से कम हम केवल चर्चा कर लें, आज इस बात का भी जवाब लेंगे इनसे हम, ये बात सदन में भी गृहमंत्री से पूछी गई है, उन्होंने भी उत्तर दिया है इस बात पर। मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूं कि जिस तरह की घटना हुई है, उस घटना के बाद कम से कम आज इस पर राजनीति करने का समय नहीं है, आज सरकार की प्राथमिकता भी यही है। पंजेटा जी, आपको काफी समय दिया था सर, अगर आपको कुछ भी कहना है आपको फिर से टाइम दे दिया जाएगा, प्लीज आप इन्हें सुने, अभी इन्हें अपनी बात तो कहने दीजिए। अपने ही अध्यक्ष की लाश पर
राजनीतिक रोटियां सेकना इसको कहते हैं जो पंजेटा जी और इनकी पार्टी कर रही है। अभी तो अंतिम संस्कार हुआ है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा कुछ दिन बाद आप इस तरह की सियासत करें और इसमें से कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करें, चल जाएगा। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, मैं पंजेटा जी को याद करा दूं आगे बढ़ने से पहले। रजत पंजेटा जी, हरियाणा में आज तक अगर किसी एक राजनीतिक दल के किसी शासन को गुंडा राज या गुंडों का राज कहकर के जाना और पहचाना गया है, तो वो औकात दिखा रहा हूं ना आपको अब आपकी, क्योंकि बदतमीजी कर रहे हैं। अरे बदतमीजी की है, गुंडा राज शब्द कम से कम इनेलो प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनका परिवार भी, उनका परिवार भी आरोप लगा रहे हैं, उनके बेटे ने भी कहा है, ये कुछ स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाए गए हैं। क्या मैं उत्तर नहीं दूंगा? क्या मुझे उत्तर नहीं देने देंगे आप? आपको ही तो उत्तर देने दे रहे हैं। क्या रजत पंजेटा को गुंडा राज अगर ये कहेंगे तो गुंडों को ये भी सुनना पड़ेगा कि हरियाणा में एक ही पार्टी एक ही दल की सरकार को गुंडों की सरकार के रूप में आज तक पहचाना गया है और वो इनकी अपनी पार्टी की सरकार रही है। मैं कह रहा हूं ना, सारा हरियाणा जानता है कि रेहड़ियां लूटने से लेकर के और जेलों में से गुंडागर्दी करवाने वालों को संरक्षण देने वाले आप लोग रहे हो हरियाणा में, तो आप और यहाँ दूसरों के राज को गुंडा राज कह रहे हैं। रुक जाओ ना रजत पंजेटा, आप जब बोलेंगे आपके समय में कोई नहीं बोलेगा, मैं इस बात को भी सुनिश्चित कराऊंगी, लेकिन अभी आप भी मत बोलें। चौहान साहब, जो बातें जिन पर हम रोजाना बात करते हैं, क्यों ना आज इस मुद्दे पर ही बात कर लें? ये तो घूम फिर के रोजाना आपकी डिबेट में। जब 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 लोकदल के प्रवक्ता गुंडे ही दिखा रहे थे अपनी भाषा में, तब आपने उनको नहीं रोका, मैंने चुपचाप सुना। मेरा मुझे उत्तर ना आप देने दे रही है ना वो देने दे रहे हैं, ये ठीक है क्या? मैं ये कह रहा हूं, दुर्घटना, ये जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना हुई है, इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको तलाश कर उन्हें कटघरे में खड़ा करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। रही बात ये जो बार बार सिक्योरिटी वाला इशू उठा करके सारे का सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति का पतीला इन्होंने चढ़ा दिया है हत्या होते ही, उसका उत्तर ये है कि अगर कहीं पर कोई प्रशासनिक चूक हुई है तो जांच हो जाने दीजिए, पड़ताल हो जाने दीजिए। आप न्यायाधीश न थे न हो सकते हैं, अगर किसी से चूक हुई होगी वो कोई भी होगा, कोई अधिकारी होगा या कर्मचारी होगा, जिससे चूक हुई होगी उससे जवाब व्यवस्था मांग लेगी ना, आपको संयम बरतना चाहिए। आज रजत पंजेटा और उनकी पार्टी को कोरी राजनीति करने से बचना चाहिए, आज केवल इतना कहा जा सकता है। सरकार ने तुरंत उस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। मैं इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के समय की बातें मुझे अच्छे से याद हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी, सीबीआई जांच के मामलों को लटकाते थे, कभी सीबीआई को जांच सौंपने में इनकी रुचि नहीं रहती थी, परिवार हाईकोर्ट के चक्कर काटते थे, पीड़ित परिवार, लेकिन हमने रत्ती भर उसमें समय गंवाया नहीं। हमने कहा कि अगर आपकी संतुष्टि, आपके परिवार की संतुष्टि इस बात से होती है कि मामले की जांच सीबीआई करे, तो सीबीआई करेगी, जो दोषी होगा उसको सामने लेकर के आएंगे। नफे सिंह राठी इनकी पार्टी के अध्यक्ष थे, इसमें कोई संदेह नहीं, इनके परिवार के सदस्य थे, कोई संदेह नहीं, वे हरियाणा के नागरिक भी थे, वे हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्य भी थे, सम्मानित सदस्य थे, उनका जाना, उनकी हत्या होना निसंदेह सबके लिए चिंता की बात है, दर्द की बात है, लेकिन दर्द पर सियासत न की जाए। फिर से दोहराऊंगा, जिम्मेदारी तय करेंगे, जो लोग वास्तव में दोषी हैं उन तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे, उन्हें सीखचों के पीछे पहुंचाएंगे, कटघरे में लेकर के आएंगे और दंडित भी करवाएंगे। हां, अगर आप भाषा का खेल खेलना चाहते हो तो भाई साहब, अच्छे से वो भाषा मुझे भी बोलना आती है, नैतिकता पर नैतिकता की बात करने का कम से कम इंडियन नेशनल लोकदल को हरियाणा की राजनीति में रत्ती भर अधिकार नहीं है। नैतिकता का ठेका आपका तो हो ही नहीं सकता, कम से कम कोई और। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ, पंजेटा जी आएंगे आपके पास, मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। ज्योति जी काउंटर करने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है बोलिए, अभी आ रहे हैं। ज्योति जी, मैंने तो सिर्फ इतनी बात इनको कही थी कि जितनी जल्दी ये सीबीआई की मांग के लिए मान गए हैं, अगर जो सिक्योरिटी के लिए बार बार गुहार लगाई गई, बार बार इनसे आग्रह किया गया, इनकी एप्लीकेशन है परिवार के पास, बाकायदा सबूत है उस चीज के,
वो डायरी कराई हुई एप्लीकेशन है, अगर इस ये सिक्योरिटी की मांग को गंभीरता से ले लिया गया होता तो आज राठी जी दुनिया में मौजूद होते। दुनिया से अगर मगर में अगर बीच में नहीं, मगर मैं अभी आपने बोला ना बीच में नहीं बोलना, इस बात अगर मगर वही बात दोहरा रहे जो पहले बोल चुके हो, जो बोल चुके हो, जो बोल चुके हो उसी को बार बार दोहराते रहोगे। क्या बोलना ज्योति जी, ये क्या कर रहे हैं आपको पता है ना, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं। यूं कह रहे हैं कि मैं केवल इतनी बात कह रहा था कि सुरक्षा दे दी जाती, ठीक है, इस बात को लेकर आगे हम डिबेट में चर्चा करेंगे। उत्तर नहीं दिया क्या? मैंने उत्तर नहीं दिया ज्योति जी मेरे को प्लीज इनको बोलिए इंटरप्ट ना करें। उसके बाद इन्होंने इसमें कौन सी बात राजनीति वाली है, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आई। किसी के परिवार का कोई सदस्य चला गया और ये बोल रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि हमारे राज को लेकर आज ये अभी टीवी चैनल पे बैठे हैं, इन्होंने बड़े बड़े उदाहरण बोल, ये हमारा समय ऐसा था, पहली बात तो। ये हमारे सहयोगी क्यों थे उस टाइम पे? दूसरा, एक वाक्य ऐसा बताइए कि किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर ऐसा कोई अटैक हुआ हो हमारे राज में जिसको आप उसको गुंडा राज बोल रहे हो। तीसरी बात, आपके राज के समय के अंदर हरियाणा में कम से कम 900 बेकसूर लोगों की जान हरियाणा सरकार की, आपकी सरकार की गोलियों से उनकी जान गई। चलिए आप भी आज के विषय पर ही बात करेंगे, हालांकि कांग्रेस ने कानून व्यवस्था का मुद्दा भी आज उठाया। ज्योति जी, ये राम राज मैं उत्तर देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ज्योति जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा अरविंद पंजेटा को आगे बढ़ने से पहले। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, लंबा तो आप वही बातें दोहरा रहे हैं ना, जवाब लेते जाइए, जवाब का स्वाद लेते जाइए, जवाब का आनंद लेते जाइए। आप सुनिए ना, मैं इनको भी तो रोक रही थी, आप भी सुन लीजिए। कहाँ रुक रहे हैं? मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि आज आप लोग ऐसा नहीं, आज आप लोग आज ही चिल्ला चिल्ली या शोरगुल करेंगे, मैं ये उम्मीद नहीं कर रही। आदत से मजबूर है ये आप एक बात ज्यादा 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 बड़े उद्देशक मत बनो ना रजत पंजेटा, के साथ चौहान साहब आपको काउंटर में जो भी कहना, मैं कांग्रेस के बाद मौका दूंगी। अभी देखिए आप लोग 1-to-1 आप लोग आपस में डिबेट करते रहेंगे, ये भी तो नहीं हो पाएगा ना। अभी आप लोग सुनिए पंजेटा जी, ये डिरेल करने वाली बात है ना, ये डिरेल करने वाली बात है। आज का मुद्दा क्या, आज का मुद्दा छोटा है, क्या हम उस पर बात नहीं कर सकते? इसी को घंटे का समय भी काफी नहीं रहेगा लाशों पर, बजरंग दास लाशों पर पतीला चढ़ाना, इसी को कहते हैं बजरंग दास जी। आप लोगों ने भी मुद्दा उठाया है, कामरों को प्रस्ताव आप लोग लेकर आए हैं, हुड्डा साहब की ओर से भी चिंता जाहिर की गई है। उनका कहना है कि एक नागरिक के नाते मुझे इस बात की चिंता है कि कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा राज्य में। ज्योति जी, एक रिक्वेस्ट है, बीच में कोई टोका टाकी ना करे, मैं भी किसी के बीच में नहीं बोला। यहाँ तक कि आपकी आवाज नहीं मिल रही, बहुत सीनियर नेता जी बोलो। ज्योति जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। ज्योति जी आ रही है सर, बोले। ज्योति जी, आज हरियाणा के अंदर हमारे सीनियर नेता पूर्व विधायक एनएलओ के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ तक कि हमारे हरियाणा के एक साथी भी थे, निवासी भी थे, कल उनकी जिस प्रकार हत्या की गई बहुत दुखदायी है और बड़ी चिंताजनक ये बात है, ये पूरे हरियाणा के लिए चिंता की बात है। और यहां तक कि आप देखोगे जब इतने सीनियर नेता सुरक्षित नहीं है, आम जनता की सुरक्षा सरकार कैसे कर पाएगी, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय आज पूरे हरियाणा के अंदर बना हुआ है। और यहां तक कि आपने देखा ज्योति जी, मैं राजनीतिक बात तो नहीं करूंगा, मगर मुझे थोड़ा सा चिंता भी ज्यादा है, क्योंकि मैं जो व्यापारियों बीच रहना पड़ता है 24 घंटे, आज हरियाणा में हालात क्या है मैं उससे अवगत कराना चाहता हूं। आप देखोगे जगह जगह बहादुरगढ़ का बिल्कुल साफ सापड़ा है, सीताराम हलवाई जिसके पास मैं गया था, खुलेआम सुबह पहले दुकान खोलते समय अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई, 1 करोड़ की भुगती मांगी गई। गुवाहाटी के अंदर दिन दहाड़े 40 राउंड फायरिंग करके एक हलवाई की दुकान के ऊपर 2 करोड़ की भुगती मांगी गई आपके सामने। और जगह जगह मैं किसी का नाम गिनाऊं, हत्या का नाम गिनाऊं, भी कौन से जिला ऐसा है जहां हत्या लूटपाट भुगती चोरियों की वारदात ना हो रही। पानीपत जिले के अंदर आपने देखा किस प्रकार
रात के अंदर आतंक का मोल फैलाया गया, तीन महिलाओं के साथ रेप करने के बाद एक की हत्या वहां पानीपत जिले के अंदर की गई। वो सारा देश ने उस टाइम देखा कितना घिनौनी वारदात हरियाणा में हुई। आज हरियाणा के अंदर जो हकीकत बात है वो बात करूंगा। आज हरियाणा के अंदर दिन दहाड़े व्यापारियों की दुकान के ऊपर फायरिंग हो रही है और खुलेआम फरौती मांगी जा रही है। एक नहीं मैं सैकड़ों केस गिना सकता हूँ, स्टेशन भाई नाम सिर्फ गिना सकता हूँ। जहां जहां वारदात होती है वहां मेरी टीम और मैं जाता हूँ भाई। कोई लूटपाट होगी, वारदात होगी, हमें जाना पड़ता है कि हमारे साथी है उसलिए हमें जाना पड़ता है। तो यहाँ है देखिए, फरौती भी मांग रहे हैं, मंथली भी मांग रहे हैं। आज अपराधी जेलों में बैठे हुए गैंग चला रहे हैं, खुले हम वारदात कर रहे हैं, मगर आज व्यापारी आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी क्या है? जब सरकार को जनता है, आप और हम है, आम नागरिक है, करोड़ों अरबों रुपए टैक्स दे रहे हैं, हर प्रकार का टैक्स दे रहे हैं, तो जनता की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो इनेलो के प्रवक्ता ने कही यह बात हकीकत है कि उन्होंने, मैंने लेटर देखा है, मैं तो कल से टच में हूं। स्थिति क्या है, जब राठी जी ने सुरक्षा मांगी उसके लिए लेटर मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, डीजीपी को भी लिखा और सीआईडी के चीफ को भी लिखा, एसपी को भी लिखा, जिला प्रशासन को लिखा, अगर उनको सुरक्षा मिल जाती तो हो सकता है तो अपराधी उसके नेड़े जल्दी ना लगते और उनकी जान बच जाती, उन पर हमला नहीं होता। हमला होता, सुरक्षा साथ होती तो उसको बचाया जा सकता था। वो लापरवाही लगा लो, कुछ लगा लो, आज अपने वीरेंद्र जी ने कहा है उसकी हम जांच करवाएंगे। अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए किस तरह के ऊपर लापरवाही हुई है, किसके कारण सुरक्षा नहीं मिली, क्यों नहीं सरकार ने सुरक्षा दी। इस सुरक्षा ना देने के अंदर जो जो जिसकी लापरवाही है उसके खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे सरकार के अंदर प्रभावशाली नेता का हाथ हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं सरकार की तो नेताओं की सुरक्षा करोगे, आप आम जनता की सुरक्षा नहीं करोगे। आम जनता की सुरक्षा पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं ज्योति जी, जब मुख्यमंत्री जी का एक छोटा सा कार्यक्रम होता है, हजारों पुलिस कर्मचारी, पांच पांच जिले के पुलिस कप्तान उनकी सुरक्षा में लगते हैं, हजारों पुलिस कर्मचारी लगते हैं, लगने चाहिए, अच्छी बात है। हमारा मुख्यमंत्री है, उनकी सुरक्षा भी जरूरी है, मगर ये तो नहीं कि आप वीआईपी सुरक्षा को देखते हुए आम जनता की सुरक्षा भूल जाओ। जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है चौकी थाने खाली हो जाते हैं, चौकी थाने में कोई आदमी नहीं, पुलिस का कर्मचारी नहीं मिलता, ये भी तो गलत है ना। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए आम जनता की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपको एक नई बात बताता हूं ज्योति जी, जो प्रैक्टिकल है। आपका चैनल बड़ा इस मामले में बड़ा प्रसिद्ध चैनल है और आपका सारा चैनल दुनिया देख रहा है, देश देखता है, और आप हमेशा व्यापारी आम जनता के बीच में आपके रिपोर्टर रहते हैं। आप चेकिंग करवा लेना व्यापारी में कितना बहका माहौल है, व्यापारी क्या करता है। अगर आप तो दुकान बंद करता है 8 बजे 7 बजे, वो पैसे घर ले जाते, डरता है, बोला मैं घर में भी सुरक्षित नहीं, दुकान में भी सुरक्षित नहीं, पैसे लेके घर जाऊं। आपको ध्यान होगा समाल खे के अंदर एक व्यापारी जो रात को 7 बजे पैसे लेके घर जा रहा था, पैसे छीन लिए, उसकी हत्या कर दी गई, जवान लड़के की हत्या कर दी। ऐसे अनेकों वारदातें मैं आपको गिना सकता हूं जो पैसे लेकर घर जा रहे थे उनको लुटा गया, उनकी हत्या की गई। तो सरकार को सुनिश्चित करने की जरूरत है व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। और ज्योति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वायदा भी करता हूं और आश्वासन भी देता हूं, हम कानून व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए
तन मन धन से सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार अच्छा कदम उठाए, जनता की सुरक्षा के लिए पूरी कार्रवाई करे और अपराधियों के नकेल डालने का काम करे। 2005 के अंदर आपको ध्यान होगा जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, 2 महीने के अंदर हमने लाइन ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल करने का काम किया और हुड्डा साहब उठे मुख्यमंत्री थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया था या तो मुख्य अपराधी मुख्य धारे में आ जाए या हरियाणा छोड़ के चले जाए। उस टाइम लगभग 25-26 जो खूंखार अपराधी थे उनके चीरा लगाने का काम किया था जब अमन शांति हुई थी। और आपके सामने आज हरियाणा के अंदर महिला कोई सुरक्षित नहीं है, 27%। ठीक है बजरंग जी, चलिए आपने विस्तार से अपनी बात कह ली है। मैं पंकज जी को चर्चा में जोड़ने से पहले चौहान साहब को कुछ कहना था, और पंजेटा जी अपनी बात क्लियर करते हुए एक वाक्य में ये कह रहे हैं कि मेरा कहना ये है और मेरा और मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि अगर उनको सुरक्षा मिल जाती तो वो हमारे बीच होते, अब जांच किया सीबीआई जांच की भी जरूरत नहीं होती। डेफिनेटली मुझे टिप्पणी करनी है ज्योति जी। जी आपको ही करनी है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि एक दर्दनाक हादसा हो गया उसके बाद चैनल पर बैठकर या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर मगर में उलझना, मैं उसको तर्कपूर्ण नहीं मानता। नफे सिंह राठी जी चले गए, उनके प्राण वापस लाना संभव नहीं है। जो इस घटना के लिए उत्तरदायी है या उनकी सुरक्षा में अगर कोई चूक हुई है, जो उसके लिए उत्तरदायी है, उन सबको दंडित कराना वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर आप कोई बात करेंगे तो सीधे तौर पर ये कहा ही जाएगा और मानना पड़ेगा आपको कि आप केवल और केवल इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राजनीति का पतीला चढ़ाने की इतनी जल्दी कम से कम अपने नेता की मौत पर इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं करनी चाहिए। रजत जी ने एक और बात कही कि उनके राज में किसी पॉलिटिकल लीडर की इस तरह हत्या नहीं हुई। मैं आज आपके माध्यम से आपके चैनल पर ये पूछ रहा हूं ज्योति जी कि क्या हरियाणा के किसी राजनेता का जीवन और हरियाणा के किसी साधारण नागरिक का जीवन, उसकी कीमत में कोई अंतर है? क्या राजनेता की हत्या होना क्या अरे रुको जाओ अभी क्या केवल राजनेता की हत्या होना ही उसको हत्या कहा जाएगा और इनकी पार्टी के नेता की हत्या होना ही किन्हीं अपराधियों द्वारा उसको हत्या कहा जाएगा? मुझे अच्छे से याद है, मैं उन दिनों में पत्रकारिता में था, इनका शासन था, जब रोहतक में सरेआम अदालत में भारी भरकम सुरक्षा के बीच गैंगस्टर्स के एक गिरोह ने दूसरे सुरक्षा के दायरे में चल रहे विचाराधीन कैदी की सरेआम गोलियां बरसाकर इसी तरह हत्या कर दी थी। वो हत्या सरकार की मिलीभगत से हुई थी क्या? उस समय इनकी सरकार की चूक के कारण हुई थी क्या? क्या उसके लिए इन्होंने नैतिकता के और न जाने कौन कौन से सवाल उठाए थे क्या? रोहतक में एक बहुत फेमस ठिकाना है, बहुत लोग दक्षिण भारतीय व्यंजन खाने वहां जाते हैं, मद्रास ढाबा करके उसको कहते हैं। मद्रास ढाबा का जो मालिक था उससे जेल में बैठे अपराधियों ने फिरौती मांगी, पैसे मांगे, उसको सुरक्षा दे दी उस समय की सरकार ने, अपराधियों ने फिर भी उसकी हत्या कर दी। क्या उसके लिए उस समय की सरकार से मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा गया था, मांगना बनता था क्या? जो पेशेवर अपराधी हैं, पेशेवर अपराधियों ने, आतंकियों ने अमेरिका जैसे सबसे सुरक्षित देश के राष्ट्रपतियों की भी हत्या की है। भारत अपनी एक प्रधानमंत्री को, सेवारत प्रधानमंत्री को इस तरह के आतंकी हमले का शिकार होते हुए देख चुका है। क्या सुरक्षा में चूक कहेंगे आप उसको? क्या उसके लिए स्वयं शहीद हो गई श्रीमती इंदिरा गांधी को उत्तरदायी ठहराएंगे? उनके सुरक्षा कर्मियों को या उनकी सुरक्षा व्यवस्था करने वाले तंत्र को दोषी ठहराया जाएगा? मैं ये कहता हूं जहां सिस्टम में चूक हुई उसको बंद करने का, उस लूप होल का पता करके उसको प्लग करना वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, सही लोग पकड़े जाएं, सही यानी जो असल हत्यारे हैं, और उनका बचाव ना हो ये सुनिश्चित करना कम से कम हमारी सरकार की प्राथमिकता यही है। हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं। पंजीटा जी आप भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन अभी बेनीवाल जी और जादव जी को मैं चर्चा में जोड़ लेती हूं, उसके बाद आपके पास आते हैं। रजत पंजेटा को अपनी पार्टी के दिवंगत अध्यक्ष के शव पर राजनीति करनी है, इनके भी मुझे लगता है फंडामेंटल्स क्लियर हैं।
मैं पंकज बेनीवाल जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। आपने एक बात कही चौहान साहब कि इंसान, देखिए इसमें कोई भी शक हो ही नहीं सकता इस बात में कि सभी की जान कीमती है, कानून के सामने भी, संविधान के सामने भी, इंसानियत के नाते भी सभी की जान कीमती है। लेकिन सर माफ कीजिएगा प्लीज अभी बिल्कुल टाइम नहीं, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट भी नहीं लिया अभी आम आदमी पार्टी से, जादून साहब भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक जहन में सवाल जरूर उठता कि जिसका कांग्रेस विधायकों ने भी आज सदन में जिस बात को लेकर चर्चा की कि दो बार के विधायक किसी पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी क्या उम्मीद करे फिर, ये भी एक पहलू इस बात को लेकर। पंकज जी, हर 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 नागरिक पर उस तरह का खतरा भी नहीं है, हर नागरिक के उस तरह के दुश्मन भी नहीं, ठीक है, इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं इस बात को भी इनकार नहीं कर रही हूँ, ये जनरलाइजेशन नहीं करनी, ठीक है। पंकज जी, राजनीति वाले करें तो करें। नमस्कार। नहीं, मैं कांग्रेस के हवाले से ही बात कर रही हूँ, किसने क्या कहा मैं उसी हवाले से बात कर रही हूँ कि इस बात को लेकर अब तक क्या क्या हुआ के इस मामले में, ये मेरी कोई व्यक्तिगत ओपिनियन नहीं है मेरा ही। बोलिए पंकज जी। हाँ नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों नमस्कार। कल जो नफे सिंह राठी जी का एक शूट आउट हुआ हरियाणा के अंदर, वो बेहद ही दुखद रहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार को इस लॉस से बाहर निकलने की शक्ति दे भगवान। देखिए ज्योति जी, मेरे पास FIR की कॉपी है, शायद सभी ने पढ़ी भी होगी, और जो घटना के बाद FIR में नाम आए उसमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक, जो 2014 के विधायक रहे और 2019 में वो हार गए, वो भाजपा के हैं। करमवीर राठी जी भाजपा से हैं, रमेश राठी भाजपा से हैं, सतीश राठी भाजपा से हैं, गौरव राठी भाजपा से हैं, राहुल, कमल, जितने भी नाम इस FIR के अंदर हैं ये सारे भाजपा से संबंधित हैं। भाजपा के लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों हरियाणा को जलाने का काम, लोगों को मारने का काम, क्यों ये हत्यारी सरकार बनती जा रही है? आप सभी को तो जोड़िए ना इसमें, भाजपा के लोग ऐसा कर रहे हैं। ज्योति जी, मैं एक एक उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भाजपा की FIR हुई है, ये भी ठीक है अपनी जगह, भाजपा की इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन सभी को एक साथ नहीं चल सकते ना। जिस तरीके से हत्यारी सरकार बनकर के ये लोग काम कर रहे हैं, चौहान जी रुकिएगा, मैं बीच में नहीं बोला, पूरे आधा घंटा इंतजार किया आप लोगों का, मैं जो जांच पूरा होने से, हाँ करें आपकी जांच का लेंगे, अभी जांच भी बताऊंगा किन किन मुद्दों चीजों पे आपने जांच की है। अरे DSP सुरेंद्र सिंह मर गए थे, उन पर भी जांच कर दी क्या? आपने कहा था CBI की जांच करवा दी क्या आप लोगों ने? जांच DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, DSP की हत्या हुई थी, कांस्टेबल सोनीपत में गोलियों से भून दिया गया, करवा दी CBI की जांच। कौन है जज? करवा दी CBI की जांच। आप जज हैं या CBI के ऑफिसर हैं ये बताइए पहले। अरे मैं तो प्रवक्ता हूँ, मेरा काम है क्वेश्चन पूछने का, मेरा अधिकार है, अधिकार नहीं छीन सकती भाजपा की सरकार। आप चुप रहे, कैसे कह देंगे आप चुप रहे, पार्टी को हत्यारा कह देंगे, पूरी सरकार को हत्यारा कह देंगे, और खुद को प्रवक्ता बताएंगे। अपने ऊपर अपने पेन ले लो, कॉपी ले लो, लिख लो, लिखने का शौक है आप लोगों को, लिखो। अरे भाई अपने टाइम पे जवाब दे देना। मैं गलत बात बोलने भी नहीं दूंगा ना, गलत बात नहीं। अरे आप इतनी देर से आधे घंटे से गलती गलत बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोला कुछ भी। आप ईमेलों के प्रवक्ता तो नहीं करते, बकवास कर रहे थे, हम तो नहीं बोले कुछ भी। बकवास बंद करो, जो भी हो। आपके जो गब्बर सिंह हैं, जिन्होंने कहा था मैं गब्बर सिंह हूँ, अरे पंक्तियों में कबूतर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, इन माफिया के लोगों को पकड़ना पड़ेगा, जब जाकर हरियाणा की सफाई होगी, पंक्तियों की सफाई करने से कुछ नहीं होगा, हरियाणा के कानून व्यवस्था की सफाई माफिया से करनी पड़ेगी, गुंडों का साथ देना बंद करना पड़ेगा। जैसे भाजपा की सरकार क्रिमिनल्स को सम्मानित करती है, रेपिस्ट को सम्मानित करती है, गुंडों को सम्मानित करती है, माफिया के लोगों को सम्मानित करती है, उसका नतीजा आज हरियाणा जो भी हो जवान पर लगाओ। अगर आप लोगों ने समय रहते ये भी कहूंगा, आप झज्जर जिले के अंदर मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में नफे सिंह राठी की हत्या कर दी गई, क्यों आप जब झज्जर जिले के अंदर है, वही कुछ किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ है, वहां पर यह जगह हो जाता है, जो लोग टेलीविजन स्टूडियो गब्बर सिंह कहने वाले अपने आप को हरियाणा के जो कानून व्यवस्था है जिनको गोबर करके रखा है आप लोगों ने, FIR का मतलब क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? ज्योति जी उनको कुछ भी कहने देंगे क्या? महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा आप लोगों ने। पंकज बेनीवाल जी, पंकज जी मैं तो सुन भी नहीं पा रही हूँ आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप दोनों साथ साथ बोल रहे हैं, मुझे तो क्लियर सुनाई भी नहीं दे रहा चौहान साहब आप क्या बात कर रहे हैं।
और पंकज जी आप थोड़ी ऑडियो डाउन भी रखेंगे अपनी, तो भी आपको माइक लगा रखे आप बोल पाएंगे। आप बोलिए, गांधी कहां से याद आ गया? ज्योति जी बेनीवाल जी आप विषय पर रहिए, विषय पर रहिए, विषय पर रहूंगा मैं बताऊंगा। देखिए आज जो हुआ सुनिए तो इन माफिया के लोगों का पंकज बेनीवाल जी जो बहादुरगढ़ में हुआ कि उसको कोई उसका कोई बचाव नहीं कर सकता, जो कि चौहान साहब ने भी शुरुआत में कहा उसको किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उस पर राजनीति भी ना हो ये भी कहा जाएगा, लेकिन हो रही है होगी। सुनिए लेकिन पंजाब में जो हुआ सिद्धू मूसेवाला को लेकर, आपकी सरकार सुरक्षा वापस लेती है उसके ठीक बाद मर्डर हो जाता है। मैं ज्योति जी हरियाणा के मामले में आप नहीं, वहां वहां के कानून, क्योंकि आप लोग क्यों आप पंजाब और दिल्ली का हवाला विकास को लेकर नहीं देते हैं कि वहां अच्छा कर रहे हैं यहां भी अच्छा करेंगे। हम तो क्या वहां की कानून व्यवस्था को लेकर क्या हुआ उस पर अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के साथ है, जनता के मुद्दों पर ही काम करती है। लेकिन मैं जो कुछ बताना चाह रहा हूं, अगर ये समय रहते काम कर लेते तो आज गुंडों की माफिया लोगों की हरियाणा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी पर भी फायरिंग कर देंगे ये लोग। गुरुग्राम में आज मैं बैठा हुआ हूं, गुरुग्राम में कभी सराफा बाजार में गोलियां चलती हैं, कभी ठेके पर गोलियां चलती हैं, कभी हलवाइयों पर गोलियां चलती को नामी ग्रामी जो गुरुग्राम उठाए जा रहे हैं। आप लोगों ने सुरक्षा वापस ले ली थी, बाकायदा लिस्ट भी जारी कर दी गई थी, इसको लेकर भी सवाल उठे थे उस वक्त। कोई ना कोई कारण रहा होगा, अच्छा इसी वजह से वो सारी चीजें हुई होंगी। ज्योति जी मैं तो इस चीज का कोई बचाव नहीं कर रहा आपके सामने बैठ करके। कांस्टेबल सोनीपत में 12 फरवरी को गोलियों से भून दिया जाता है, इसी 12 फरवरी को अगर एक्शन ले लिया जाता तो शायद ये काम ना होता। डीएसपी सुरेंद्र सिंह 2 साल पहले मार दिए गए थे, अगर उस पर एक्शन ले लिया गया होता तो ये काम ना होता। माथुराम हलवाई पर 40 फायरिंग हो गई गोहाना के अंदर, अगर वहां ये संवेदना हो जाती, ये पार्टी भाजपा की सरकार जेजेपी के गठबंधन की सरकार अगर जागरूक हो जाती तो ये आज कांड ना होता। गुरुग्राम में जो कितनी फायरिंग आम चल रही है उन पर अगर लगाम लगा लेते तो आज ये माफिया गैंगस्टर आगे सामने ना बढ़ रहे होते। फरीदाबाद के अंदर लगातार फायरिंग हो रही है, अगर वहां पर ये लोग काम कर लेते तो आज गुंडा माफिया आगे ना बढ़ रहा होता। बहादुरगढ़ में 7 दिन पहले ही 2 दुकानदारों पर खुले सरेआम फायरिंग चली है, अगर बहादुरगढ़ में जब भी ये काम कर लेते तब भी ऐसा हो जाता। और मनोहर लाल खट्टर साहब भी कल झज्जर के अंदर मौजूद थे, वहां पर शिलान्यास कर रहे थे। अगर वहां पर एक जिले को भी अगर वो कंटेंट नहीं कर पाते, एक जिले की सुरक्षा नहीं कर पाते जहां पर मुख्यमंत्री जी आए हुए, तो ये कैसी, मैं तो कहूंगा कि चश्मदीद हैं ये लोग, ये चश्मदीद हैं वहां पर कि हम झज्जर के अंदर हैं और बहादुरगढ़ के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गोलियों से भून दिया जाता है, छलनी कर दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पिछले 11 महीने से ज्योति जी क्या क्या हुआ है, 974 तो मर्डर हुए हैं, 1701 रेप हुए हैं, 139 हुए हैं, 371 हुए हैं, 271 हुई है, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, है वो 1,946 हुए हैं। पंकज बेनीवाल गिराफ तोते की तरह बता बढ़ा दिया है। पंकज बेनीवाल जी अभी आप सरकार के प्रवक्ता जादून जी से मैं पहला कमेंट चर्चा कर लेती हूँ, अभी ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। जादून साहब जी देखिए अपने आप में आएंगे चौहान जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। जादून साहब देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अपने आप में सरकार भी जांच की बात कर रही है, इनेलो का कहना यह है पहले सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, हालांकि गृहमंत्री की ओर से आज ये कहा गया है कि जब सुरक्षा की मांग की गई थी वो शिकायत भी दर्ज की गई थी, जहां से उनको धमकी मिल रही थी उस मामले की जांच भी हुई थी, तब कार्रवाई भी हो गई थी। उसके बाद उनके संज्ञान या उनकी जानकारी में नहीं है कि उसके बाद कभी सुरक्षा की मांग की गई हो, ये कहा गया है आज सदन में। यादव साहब बोलिए। हाँ देखिए सदन में कहा गया था, सवाल ये है कि हम जो लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है या जो पहले भी कोई दूसरी व्यवस्थाएं थी, कोई मोनार्की थी और वो थी, तो वो व्यवस्था जो है उसमें पूरा शासन दिखाई देना चाहिए। ये नहीं है कि अराजकता फैल जाए, एनार्की तो नहीं होनी चाहिए ना, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे मोनार्की हो चाहे कुछ भी हो, पर एनार्की नहीं होना चाहिए, एनार्की नामंजूर है। अब आप इसको जस्टिफाई करें तब तुम्हारा शासन ऐसा था तुम्हारा ऐसा था, तो मुझे समझता हूँ कि वो उनका शासन कैसा था, तो आज वो विपक्ष में भी मजबूती में नहीं है, तो हो सकता है कि उनको सजा इसी रास्ते से मिल गई हो। दूसरी बात यह है कि जब कानून के राज की बात करते हैं तो कानून को भी प्रोटेक्ट करने का काम सरकार का ही है, वो कानून जो है किताबों में ही नहीं रखा रह जाए बल्कि मैदान में कहीं भी दिखाई दे कि कोई भी कानून का उल्लंघन ना कर सके। और अगर कोई ऐसे लोग पैदा हो गए कि जो अपराध करते हैं तो वो
उनका भी निपटारा उनको कानून के रास्ते से होना चाहिए कि पुलिस एजेंसी है और जो भी कानून लागू करने वाली एजेंसियां उनको गिरफ्तार करें और कानून की अदालतों में ले जाए और वहां से उनकी सजा तय हो। अब कोई अच्छा है या गलत है, लेकिन सवाल यह है कि एनआरकी के पैरवी तो कोई नहीं कर सकता कि कोई भी किसी पर गोली चला दे, दिनदारे कोई भी किसी का फैसला कर दे, तो फिर शासन कहां हुआ, फिर कानून कहां हुआ। सवाल यह है कि अगर राठी जी वो मांग रहे थे सुरक्षा, तो वो एक परमानेंट व्यक्ति थे, वो एक प्रमुख दल का प्रतिनिधित्व हरियाणा में कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कुश्ती संघ से जुड़े हुए थे, दो बार के विधायक रहे, वो नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे बहादुरगढ़, और वो पूर्व विधायक संघ के भी कोई अध्यक्ष थे, जो कई तरह की उनकी गतिविधियां चलती रहती थी। तो ऐसी स्थिति में अगर वो मांग रहे थे तो उनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, और उनका बैकग्राउंड क्या था तो वो तो कानून के अनुसार ही फैसला होना था, वो भी कानून के अनुसार होना चाहिए था। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला जो थ्योरी है उसके अनुसार उनको सुरक्षा दी जाती तो मैं समझता हूँ कि वो इस तरह की घटना ना होती। और बड़ी दुखद घटना है, और दुखद घटना इसलिए भी है कि हरियाणा का जो अच्छा इतिहास था वो भी बिगड़ रहा है कि पहले कभी जो है हरियाणा की स्थापना से अब तक कोई राजनीतिक हत्या नहीं हुई थी, लेकिन राजनीतिक हत्या दर्ज हो गई। तो सवाल यह है कि कोई अच्छा या बुरा, उसके लिए कानून है, कानून के रास्ते से सारे फैसले होना चाहिए, लेकिन जो घटना हुई है वो तो एनआरकी है, वो इस तरह की घटना को अंजाम देने का मौका मिला। पंजाब में देखिए कि वो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटा ली, सुरक्षा उसको भी थ्रेट परसेप्शन थी, और उसका ना देखे हुए कि उसको कितने लेवल का खतरा है, और सुरक्षा हटा ली, उनकी हत्या हो गई। यहाँ सुरक्षा की मांग की जा रही थी, उनको सुरक्षा नहीं दी गई। सवाल यह है कि एक एक आदमी की रक्षा करने का ही दायित्व इस किसी भी शासन का है, नहीं तो फिर शासन की जरूरत ही क्या है, फिर तो लोग अपने ही फैसला आपस में करते रहेंगे, जिसके जो हाथ लगे वो हथियार अपना ले ले और अपने घर को किले में तब्दील कर ले, कोई आए तो वही मुकाबला करे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कानून की व्याख्या और कानून का सम्मान वो यही है कि हर आदमी की सुरक्षा हो और अपराधियों को पूरी तरह से किया जाए और कानून के रास्ते से किया जाए, कैसे भी किया जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। पंडिता जी काफी देर से, इसमें कौन है क्या नहीं है वो तो सीबीआई जांच होगी, उसमें सब सामने आएगा, लेकिन कोई किसी पे ऐसे आरोप नहीं लगा सकते कि तुम्हारा वो है और ये है। बिल्कुल, जांच जो होगी उसमें उसकी भी परीक्षा हो जाएगी, एफआईआर में कितना सच है उसकी भी परीक्षा होगी। एफआईआर तो एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद उसकी जांच होती है, उसकी भी जांच होगी, और अब तो चूंकि सीबीआई जांच के लिए बोल दिया गया है। जी जी, तो वो कोई इतना नहीं है। बजरंग जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, चौहान साहब भी, और आप दोनों से पहले पंडिता जी भी इंतजार कर रहे हैं। आखिरी कमेंट रहेगा आपका पंडिता जी, अब तो चूंकि सीबीआई के लिए कह दिया गया, सदन में गृह मंत्री की ओर से कहा गया, प्रशासन ने भी जानकारी दी है, तो आप लोग यकीन करके विश्वास करके इस बात पर कि सीबीआई जांच करेगी, निष्पक्ष जांच होगी, तो इंतजार करेंगे जाहिर है जांच का? जी निश्चित तौर पे ज्योति जी, उम्मीद हम यही करते हैं। हमें शिकायत भाजपा की सरकार से है, हमें हमें पूरा भरोसा है, अभी तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमें भरोसा है कि निष्पक्ष और सच सामने आएगा, मगर पहले तो जो भाजपा के प्रवक्ता के जो खुद के तरीका है, मापदंड है, कि अगर जो ये बात कहेंगे अगर वैसी ही बात हम रिपीट करेंगे वो तो ठीक है, नहीं तो अगर हम अपनी कोई बात जो या तथ्य या असलियत जो सच है वो सत्य की बात करेंगे तो ये उसको राजनीति और जो भी इनकी अपनी सोच है, तो जिस आदमी की व्यक्ति की सोच इसको हादसा कह के टालने की हो, जो एक प्रॉपर प्री प्लान्ड एक मर्डर है, उस मर्डर को जहाँ 40-50 राउंड गोलियां दाग दी गई हो, उसको ये भाजपा का प्रवक्ता एक हादसा कहकर जिसके घर में मौत हुई, मूर्ख हो क्या, हादसा बता रहे हैं, मूर्ख हो क्या, किसने कहा हादसा है, किसने कहा, मैं आखिरी कमेंट ले रही हूँ, आपने बोला आखिरी कमेंट ले रही हूँ, इनके बाद आपसे आगे कमेंट लेंगे, अभी आप सुनिए, कुछ भी बोल देंगे क्या, ये डिबेट, ये डिबेट की रिकॉर्डिंग है, सुनना जाके आपने क्या बोला, आप सुनना जाके क्या बोला आपने, आप दोनों ही रिवाइंड कर लीजिए, नहीं नहीं घर जाकर नहीं, आप तो आप देखिए कैसी बात कर रहे हैं चौहान साहब, नहीं माफ कीजिएगा, अभी अभी आप सुनिए, आप रिवाइंड कर लीजिएगा चौहान साहब, मैं उत्तर दे देता हूं। हमारे समय में पहली बात तो इन्होंने 2-3 बातें और कही, इन्होंने ये कहा कि किसी की 2 क्रिमिनल्स की गैंग वॉर हो गई, आप ये राठी साहब कोई क्रिमिनल नहीं थे तो वो आप कंपैरिजन मत कीजिए, फिर आपने अमेरिका का
और इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन के बारे में बात कही कि सिक्योरिटी नहीं बचा पाई, तो आप एक काम कीजिए, हरियाणा के सारे मुख्यमंत्री मंत्रियों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी बचा तो सकती नहीं किसी को, क्या जरूरत है सिक्योरिटी फिर जो होना है वो होना है। पहली बात। दूसरा, आपकी आपकी सोच बता रहा हूं मैं, आपने जो जस्टिफिकेशन करने की कोशिश किया ना इसकी, मैंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं की बात करी और आपने हमारे राज्य की तुलना करी। किसको कहते हैं? एनसीआरबी का डेटा लाइव है, 1999 से 2005 के बाद आज वुमेन सेफ्टी में हरियाणा वर्स्ट पोजीशन पे है, नागरिक सुरक्षा वर्स्ट आज केवल इसी मुद्दे को लेकर बात करने का भी समय है। चौहान जी, देखिए आखिरी कमेंट रहेगा आपका, मैं एक देखिए दो किसी भी क्राइम से जुड़े दो स्टेज हो सकती है, या तो अपराधियों में पहले से खौफ हो किसी क्राइम को अंजाम ना दे, या फिर क्राइम 10 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा। खत्म करने दीजिए ना प्लीज, आप ये बीच में चार बार तो यही बोल पड़े। उसके बाद इन्होंने बात करी, ये बात कर रहे थे एनसीआरबी का डेटा है 1999 से 2005 तक, कम से कम 5 गुना क्राइम हरियाणा में बढ़ा, ये तथ्य बोलते हैं मगर ये नहीं मानते। ये राम राज की बात कर रहे थे, हमारे राज को गुंडा राज कह रहे थे, 100 लोग गोलियों से बोल दिए, 750 किसानों की शहादत होगी, आज तक आज भी किसानों के ऊपर ड्रोन से टियर गैस का और गोलियां मारने का ये काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने रोहतक जलवा दिया, नूह जलवा दिया, उसके बाद गुड़गांव जलवा दिया, फरीदाबाद जलवा दिया, ज्योति जी वो 10 सेकंड नहीं पूरे हुए क्या इनके, जलवा दिया, ये राम राज्य राजनीति का पतीला लेके फिर बैठ गए शुरू। नेता जी फिर उत्तर नहीं हो पाएगा ना इतनी बातों का, तो अभी आप सुनिए, अभी आप सुनिए चौहान जी, या तो क्राइम को अंजाम ना दें, अपराधी इस तरह का खौफ लोगों में पहले से, या फिर बहुत कठोर सजा मिले, बहुत कठोर सजा जिसे एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाए, खासतौर पर इस तरह के मामले में जो अपनी तरह का पहला मामला है हरियाणा गठन के बाद। देखिए ज्योति जी, सर प्लीज माफ कीजिए, अभी समय नहीं है, ज्योति जी आपने 10 सेकंड के लिए कहा था, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, ज्यादा ही बोल चुके हैं ज्योति जी, अभी अभी सुन लीजिए, आप आ गई आपकी बात, सर समय नहीं है, देखिए एक 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 बात एक एक बार उत्तर देकर बैठे, बजरंग जी की बात करें, पंकज जी की बात करें, कोई नहीं बोल पाया। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी रोक दीजिए, अब इनको थोड़े दिन में सारा समय इनको देना था क्या? अरे रुक जाओ, ये जो मर्डर हुआ है आपकी ये बात आ गई है, आपने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया, जॉन साहब आप बोलिए, कठोर सजा की जरूरत तो है मानते हैं आप ये? मैंने तो पहले कहा, मैंने ये कहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये हत्या, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और कड़ी से कड़ी सजा मिले, वास्तविक अपराधी कटघरे में भी आए, जेल में भी जाएं और सजा भी पाएं, ये बात मैंने दो टूक शब्दों में कही है। मुझे केवल और केवल पीड़ा इस मामले में राजनीति करने वालों से है, जो ये कहते हैं कि इनके नेता की हत्या हो गई तो गुंडा राज हो गया, और जब इनकी अपनी सरकार हरियाणा के किसानों पर कंडेला में पुलिस के हाथों गोलियां चलवाकर 9 किसानों की हत्या को अंजाम दे रही थी, अपराधी कानून नहीं मानता, पुलिस कानून से चलती है, जब ये कानून के रखवालों से किसानों की हत्या करवा रहे थे तो वो राज इनका गुंडा राज नहीं था। दूसरी बात मैं ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ, रुक जाओ, एक अंतिम बात, जो हमको यहाँ उपदेश दे रहे हैं, आपने उनको ठीक आईना दिखा दिया के सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस लेकर हरियाणा की सरकार पर सवाल उठाने वाले पहले आईना देख लें, अपनी शक्ल देख लें, और हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया पंकज बेनीवाल जी। अभी देखिए इनकी भी ऑडियो नहीं आ रही, अभी बजरंग जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बजरंग जी जल्दी बोलेगा, बोले ज्योति जी, सब सारी बात है प्रदेश की जनता की सुरक्षा का, दिमाग मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक ही दिमाग पर पर्दा पड़ गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को यह भी नहीं मालूम कि जश्नदीप किसको कहते हैं। प्लीज ज्योति जी, हमारी तो सरकार से एक ही मांग है, सरकार को एक तो खास बात क्या है, आप देखोगे पुलिस विभाग के अंदर सरकारी कर्मचारी की कमी है, सरकारी अधिकारी की कमी है,
मूलभूत सुविधा की कमी है, उनकी पूर्ति करनी चाहिए। अगर पुलिस कर्मचारी पूरे नहीं होंगे, अधिकारी पूरे नहीं होंगे, मूलभूत सुविधा नहीं होगी, कैसे जनता की सुरक्षा कर पाएंगे? सबसे मेन बात क्या है? ये हर एक सरकार की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है अपने आप में। ठीक है, एक वाक्य में एक बात कहूंगा ज्योति जी, केवल एक बेंगाल जी एक बात कह पाएंगे इतना टाइम है चौहान साहब, बेंगाल जी एक बात में अपनी बात कह पाएंगे। मॉडल सेट करने की जरूरत है आज सरकार को कि माफिया और गुंडा राज वो आवाज न उठा पाए। गोलियां चलाने की बात दूर है, बुलडोजर चलाओ, गोलियां चलाओ, कैसे भी करो, लेकिन खौफ का माहौल इन माफिया होना चाहिए ताकि हरियाणा की जनता के ऊपर ये लोग आग उठाकर बना दे पाए। गोली चलाना तो दूर की बात है, बनो न्यायाधीश मत बनो, माफिया बनो न्यायाधीश मत बनो, कड़ा मॉडल बनाने की जरूरत है हरियाणा के अंदर। और फिर से छोटे मोटे लोगों को पकड़कर जो भी नाम इस एफआईआर के अंदर आए हैं इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, जब जाकर पता चलेगा कि भाजपा की सरकार कार्रवाई तो जांच के बाद ही होगी, जांच में जो सामने आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सभी का बहुत शुक्रिया। आगे वक्त नहीं है चर्चा के लिए। तो नफी सिंह राठी हत्याकांड को लेकर हमने बात की, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, सवाल व्यवस्था को लेकर भी उठ रहे हैं मामले में, हालांकि राजनीति आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। सीबीआई जांच की बात कह दी गई है, कब तक जांच पूरी होगी आने वाले दिनों में, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और किस तरह की कार्रवाई की जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।